गाइस ये देखो इनविक्टो लॉन्च हुई नहीं कि लोगों ने ले भी ली। अब लगाते हैं भैया अपना क्रूज कंट्रोल और सब लोग यही पे थंबनेल लगाते हैं। और मेरे ख्याल से डोमिनोज खुला हुआ है तो डोमिनोज खा सकते हैं, शायद वो वाला फंक्शन है तो वहाँ पर भराते हैं। बाकी अभी तो ये सब चीजें बन रही हैं, अभी तो इनमें तो टाइम लगेगा। अभी सुन, तुझे दोबारा गाड़ी चलानी ना चलानी। शुक्र है कि छांव हो गई है, जो भी मिलेगा देते हैं, चलो खाते हैं फटाफट से निकलते हैं फिर। अच्छा इतना वर्ल्ड क्लास आप ये सब चीजें बना रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों को भी स्ट्रिक्टनेस रखो। 150 तो पहुंच गई लगभग, मैंने अंदाजे से 160 के आसपास ही पहुंच जाएगी। तो रुके थे, हालांकि रुकना नहीं चाहिए, और मस्त मौसम हो रखा है। खैर मैं रेस नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो बैग उठा के कहाँ जा रहे हो? खोलो, ये अनलॉक है। ये लो भाई, अपन ने ले लिया दूध की रोली और दूध लेकर आज जा रहा है घूमने। ये रखो तो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर, क्योंकि बहुत ही इंस्टेंट प्लान बना। अभी जस्ट एक घंटे में कंफर्मेशन हुआ, सोनिया का कुछ अर्जेंट काम था तो फिर हमें निकलना पड़ा। हम लोग फटाफट से बैग वैग डाले, कपड़े वपड़े, अभी होटल बुक नहीं किया, वहाँ जा करके देखेंगे या रस्ते में देखेंगे। अभी तो फिलहाल सोनिया कुछ भूल गई थी तो वापस हम आए निकल गए थे, तो वापस आइए अभी फटाफट से निकलते हैं। एक्सप्रेस वे से लेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और आगे फ्यूल भी लेना है, तो फ्यूल पर हम देखते हैं कि यहीं से ले लें या आगे लें, क्योंकि वहाँ पर आगे काफ़ी दूर दूर तक हैं तो पहले ही ले लेना बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत कम है। तो फटाफट से ये आ जाए, निकलते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, ऐसी हालत ख़राब हो रही थी, पूछो नहीं। गाड़ी तप रही थी, खड़े खड़े बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी तो गाड़ी तप रही थी। फुल एसी ऑन किया तब जाकर कम से कम 15-20 मिनट बाद गाड़ी नॉर्मल हुई है, हालत ख़राब हो गई थी। तो चलो फटाफट ये आ जाए, निकलते हैं, फिर आके मिलते हैं रास्ते में। तो वैसे हम लोग निकल गए थे बाहर, अभी बहुत धूप हो रखी है, छाँव भी हो रही है लेकिन धूप बहुत हो रखी है। तो अभी हम लोग गुड़गांव में हैं, यहाँ से सोना रोड वाला फ्लाईओवर लेंगे, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लेंगे। अभी लगभग 1:30 बज गया है, शायद 6 बजे तक पहुंच जाएंगे जयपुर। अगर बीच में रुकना हुआ तो एक जगह देख लेंगे कुछ खाने पीने के लिए, नहीं तो सीधा फिर गाड़ी जयपुर लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बाहर धूप बारिश के आसार लग तो नहीं रहे, अब वही बात है कि अचानक से मौसम बन जाए तो बात अलग है। 37 डिग्री दिखाई रहा है, मतलब वहाँ मान लो 38-39 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। बारिश हो जाना, तो पिछली बार गए थे तो बारिश मिली थी कई जगह, इस बार अच्छी खासी तगड़ी धूप मिली हुई है। देखो बाहर कितनी, वैसे तो आज संडे है तो इतना ट्रैफिक नहीं है ना, और भी झंझट लगता है क्योंकि जाम में ना बहुत तो उभर लगती है। एक तो गर्मी और फिर एसी चलाओ, फिर बाहर देखो तो गर्मी सर्दी का बहुत हो रहा था। साइनस वैसे हम दोनों को होने लग गया है, उसका तो भाई मुझे भी कभी कभी साइनस की दिक्कत हो जाती है। चलो फिलहाल सोना रोड पकड़ते हैं, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। ये देखो इनविक्टो लॉन्च हुई नहीं कि लोगों ने ले भी ली, सही लग रही है ना, सीवी टाइप लग रही है, सही निकाली है भाई, मारते हैं, दिल खुश कर दिया। शौकस लग रही है भाई, अच्छा है, मतलब थोड़ी सी किसी का फैमिलियर लुक दे रही है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि किस की तरह से लग रही है, लेकिन ठीक अच्छी है, एक अच्छी ऐसी भी बढ़िया निकाली है ब्रेजा विटारा के बाद, ये अच्छी निकाली है। इसका अभी कुछ पता नहीं, 22-23 लाख से स्टार्ट है कि टॉप मॉडल 22-24 लाख का है, आगे चल के ये ले लेंगे। अगर डीजल में आई होगी तो बढ़िया, और लग नहीं रहा कि डीजल में होगी, बस अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है, कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, चलो बढ़िया है, चलते हैं आगे। मैं इसको देखने के लिए ओवरटेक नहीं कर रहा था, अब मैं इसको पीछे कर देता हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं गुड़गांव और सोना रोड पर, जो फ्लाईओवर है ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, मतलब स्पीड लिमिट भी अच्छी थी, 100 की स्पीड लिमिट है, आराम से दबाते हुए चले जाओ सीधा चौकस, मजा आया था। संडे है, वैसे तो पिछली बार भी आए थे तो कोई मतलब मॉर्निंग में ही आए थे है ना, मॉर्निंग 6 बजे निकले, 6 बजे निकल गए थे, मतलब
फिर भी कोई जाम नहीं था, मेरे ख्याल संडे भी नहीं था, संडे था कोई जाम नहीं था, आराम से एकदम चौड़ में एकदम 100 की स्पीड से चले गए आराम से, 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कट आ जाता है। ये अच्छा है यार, ऐसे फ्लाईओवर बने ना डायरेक्ट कनेक्ट, अब इधर से गुड़गांव में काम चल रहा है वो भी ठीक हो जाए ना फटाफट से बन जाए, फिर तो मौज ही मौज है। फिर तो उधर दिल्ली से मतलब इधर ये साउथ दिल्ली से, साउथ वेस्ट दिल्ली से और उधर वेस्ट दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इधर तो जाम रहता है, वो तो संडे था आज, क्योंकि जिस टाइम हम निकले हैं ना दिल्ली में किसी भी टाइम निकल जाओ जाम तो रहता ही है, आजकल सैटरडे संडे भी बहुत लोग निकलते हैं, पहले रहता था कि नहीं है, लेकिन ये सोना फ्लाईओवर पर तो बहुत ही कम ट्रैफिक है, खाली पड़ा है। उस दिन भी आए थे तो मॉर्निंग थी, दोपहर में हो जाता होगा नो डाउट, लेकिन ठीक है ऐसे ऐसे ड्राइव करने मजा आता है कि ज़्यादा जाम भी ना हो, आराम से एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहो तो एवरेज अच्छा निकलता है, टाइम भी बचता है और शरीर को थकान भी नहीं होती। तो फिलहाल अभी एक फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एंट्री करेंगे, आज तो आराम आराम से जाएंगे, पिछली बार तो बहुत हड़बड़ थी तो आज तो आराम से जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार जो चेक करना था एक्सपीरियंस लेना ना ले लिया, अब तो वो रेगुलर टाइप ही हो गया है। फिलहाल 125 रुपये का टॉल कटा है यहाँ पे, यहाँ से टॉल से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लगभग 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर बाद सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लेंगे और फिर तवा की गाड़ी खींचते हुए चलेंगे। यार छाँव नहीं हो रही, मतलब कि कुछ बारिश वारिश हो जाए, नहीं हो तो मौसम ही ठीक हो जाए, ऐसी धूप हो रखी ना कि मतलब अलग ही लेवल का मतलब चल रहा है यार, इतनी गर्मी हो रही है पूछो नहीं, बारिश मच नीडेड है बारिश, पिछली बार मौसम बहुत बढ़िया था नो डाउट बहुत बढ़िया था, यार इस बार उतना ही मतलब खतरनाक रखा है मौसम। हाथ जले जा रहे हैं, ये तो शेड्स नहीं है तो साइड में हाथ जल जाते हैं, कहीं शेड लगाओ कहीं न लगाओ वो झंझट, टैन हो जाती स्किन, स्टेयरिंग पे तो धूप आ रही है सामने, तब सामने वाले विंडशील्ड पे तो लगा नहीं सकते, सब आ रही है देख रहा हाथ पे देख रहा हूँ धूप पड़ी हुई है, पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे होनी चाहिए थी, कल मॉर्निंग में शायद बारिश हुई थी 1-2 घंटे, उसके बाद फिर भाई जब भी बारिश होगी उसके बाद लंका लग जानी है भाई, अगल बगल खेत देख करके ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है मजा आ रहा है, उधर उस साइड पहाड़ी है ये देखोगे उस साइड पेड़ आगे बीच में, इस साइड अपना खेत वेत हैं, इधर बढ़िया लगता है ऐसा है, मतलब मौसम अच्छा होना तो देखने में बड़ा मजा आता है। पिछली बार यहीं पे नू में जो हिंसा हुई थी सब यहीं तो हुई थी ना, भाई सब जगह ब्लॉक कर रखा था, वो देखो साइड में पहाड़ी है, उधर जब हम लोग उधर निवराना साइड जाते हैं तो उधर NH8 की तरफ से उधर उस तरफ पड़ती हैं, दिखती दूर दूर से यहाँ। वो रहा भैया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ गया है, ये देख रहे हो लेफ्ट में गाड़ी ने बोर्ड भी लगा हुआ है, 3 किलोमीटर चलाई हम, इतनी सुपर कार रहे हैं भाई, सुपर कार है सोना। तो चलो भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एक बार फिर से आपका स्वागत है, और ये हम एक बार फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं, और मैडम ने लगे यहाँ शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, बढ़िया बनाना पैसे नहीं मिलेंगे नहीं तो, बन गई शाबाश शाबाश कचरा शाबाश। तो पिछली बार की तरह बस एक ही चीज है यहाँ पे, जो बदलाव है वो है कि बारिश नहीं है, बाकी सब सेम है। अब लगाते हैं भैया अपना क्रूज कंट्रोल और 100 कर देते हैं, 100 पे चलती रहेगी। ये सामने आ रहा है, मैंने फोटो भी क्लिक किया हुआ है, मुझे लगा वीडियो बहुत बढ़िया, ये देखो सामने है, सब लोग यही पे थंबनेल लगाते हैं, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है, कहिए स्वागत है मुस्कुराइए आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। चलो थोड़ी छाँव तो हुई, थोड़ा बहुत तो सुने भगवान। एक महीने में दूसरी बार मुंबई तक बन जाए जल्दी, तो फिर मुंबई का चक्कर लगाया जाए। पलवल 44 किलोमीटर, फिरोजपुर छिरका 68, मुंबई 1224। एक महीने में छांव तो हो गई है, सुन लिए प्रभु ने थोड़ी, लेकिन अभी थोड़ा आगे देख रहे हैं धूप ही आ रही है, और जब तक मैं आपको ये बताऊं कि धूप आने वाली है, और यहाँ पे धूप आ चुकी होगी, देखो ब्लैक से हम ना व्हाइट हो जाएंगे, ये देखा आ गई धूप, क्या है बारिश में, सच बता रहा हूँ बारिश में तो बहुत मजा आता है इस पे चलाने में,
विंटर तो खैर चलो अलग बात है, बारिश का मतलब रेनी सीजन का अलग ही मजा है। उधर देखो सब पहाड़ियाँ दिख रही हैं। प्रॉमिस किया था कि अगली बार तुम यहाँ रोक के और मुझे गाड़ी पे शॉर्ट्स बनाओगे। अब यहाँ रुकना अलाउड नहीं है फिलहाल, मैंने पिछली बार भी कहा था और सबको मैं बताऊंगा, कोई रुक नहीं रहा। बहुत इमरजेंसी हो तो वो चीज समझ में आती है, पर फोटो शॉर्ट्स और इस सब के लिए यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है। रुकने वाले तो वही, रूल तोड़ने वाले तो बहुत है अपने हिंदुस्तान में, होता ही है जो चीज मना की जाती है लोग करते ही वही है, क्योंकि हम लोग अंतर ही है ना। फिर से छा हो गई, चलो फटाफट से देखते हैं रास्ते में कुछ दिखेगा तो वहाँ पे कुछ दूसरा देखते हैं। अलग इस बार दूसरा देखेंगे क्योंकि पिछली बार रुके थे वहाँ पे, ठीक था, दो फूड ट्रक थे और वॉशरूम वगैरह यूज करने का वहाँ पे पूरा वो बना हुआ था कॉम्प्लेक्स टाइप। इस बार दूसरा देखेंगे क्योंकि पिछली बार स्पीड में थे ना तो वो निकल गया, अब एकदम से सडन ब्रेक तो कोई ले नहीं सकता भाई कि 100-120 की स्पीड में सडन ब्रेक ले लो। फिलहाल देखते हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, अगले वाले पर रुकेंगे जो ज़्यादा बढ़िया था। तो भाई ये एक रेस्टोरेंट सर्विस है, होपफुली यही वाला होगा जो शायद हम पिछली बार रुके थे, क्योंकि पिछली बार रुके थे तो ये याद आ रहा है कि पहाड़ियाँ बनी हुई थी जस्ट पीछे ही। तो यहाँ पे पेट्रोल ले लेंगे, कुछ चाय पानी करना होगा तो चाय पानी कर लेंगे। फिलहाल तो देखते हैं, हरियाणा का आखिरी पेट्रोल पंप है तो भाइयों यहाँ से जरूर करा लेना, क्योंकि ये हरियाणा का आखिरी पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे सारा एकदम बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ है, मेरे ख्याल से वही है सोनिया, हाँ ये वही है वो, हाँ वो देखो वो तो फूड ट्रक खड़े हुए हैं वहाँ पे, वही चलो भाई यहाँ रुकते हुए देखते हैं, पहले पेट्रोल वेट्रोल भराते हैं। देखो डोमिनोज का ट्रक खड़ा हुआ था पिछली बार, वो सामने वॉशरूम वगैरह जाना वहाँ पे जा सकते हैं, और इधर पूरा पेट्रोल पंप बना हुआ है। अच्छा इस बार ये डोमिनोज का ट्रक खोल दिया, पिछली बार नहीं खोला था पेट्रोल पंप, तो फिलहाल पहले पेट्रोल पंप लेते हैं। तो भाई रुके हैं, बहुत तेज होती थी धूप हो रही तगड़ी भाई साहब, जबरदस्त गर्मी हो रही है, और वहाँ डोमिनोज का बना हुआ है वहाँ पे जा करके वहाँ पे आराम से डोमिनोज का, पिछली बार तो दो फूड ट्रक थे एक तो बंद है, और मेरे ख्याल इस बार डोमिनोज खुला हुआ है तो डोमिनोज खा सकते हैं। फिलहाल ये पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, भाई तगड़ी धूप हो रही है, धूप जाने का नाम ही नहीं ले रही भाई, बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए, मौज हो जाए, कोई आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे कितना चल रहा है, 97। वहाँ पे वो देखो कि सामने कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वहाँ पे जा कर के आप अपना वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी तो डोमिनोज का एक ट्रक शायद चला गया है, एक ही बना हुआ है भाई। तो पेट्रोल पम्प यहाँ पर है तो मैं इस जगह को पिन कर लूँगा, सामने देखोगे तो पूरा पहाड़ियाँ वगैरह बनी है, वहाँ पर आराम से घूम सकते हो, बारिश में सही लगेगा भाई। अभी कितना टाइम लगेगा आपको, वहीं पर है, चलो तो लगता है एक फंक्शन नहीं है अभी तो वहाँ पे, शायद वो वाला फंक्शन है तो वहाँ पर भराते हैं, बाकी अभी तो ये सब चीज़ें बन रही हैं अभी तो उनमें तो टाइम लगेगा, अभी तो काफ़ी कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चलो गाड़ी में बैठते हैं, पहले कह रहे हैं वाला चलेगा, कह रहे हैं वाला क्या, कह रहे हैं वाला चलेगा, इसमें क्या हुआ, इसमें शायद इनका पेट्रोल कम है, कम है तो यही एक मेरे ख्याल से फंक्शनल है, बाकी इधर वाला और वो पीछे वाला फंक्शनल नहीं है, ना ही उधर वाला फंक्शनल है, तो ये वाला ही फंक्शनल है। एक पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी लेके डाल रहे हैं यहाँ पे, डाल दो बिल्कुल डाल दो, क्या ही दिक्कत है, डाल दो। प्लॉट के लिए तो फार्म हाउस के लिए जगह ले ली मैंने, खेत के लिए ये लखा जो काम ही नहीं कर रहा था हम इसी को खरीद लेते हैं, खोद जाएंगे और निकल जाएगा तेल। तो गाइस पेट्रोल ले लिया था, इतनी भसड़ हो रखी है, एक चार उसमें लगी हुई मशीनें, एक मशीन चल रही है और ना बताते हैं कि उसमें हमने पावर डलवाया फिर, क्योंकि वो था वहाँ कह रहा पता नहीं उसमें नॉर्मल है कि नहीं, लोग पता नहीं है, वो भी उस चार पांच गाड़ियाँ आने लग गई हैं, तो फिलहाल हमने किसी तरह से मैंने कहा भैया तू डाल पावर ही डाल, डलाया उसके बाद कहीं वीडियो नहीं चल रहा, कहीं कार्ड नहीं चल रहा, कहीं स्लिप नहीं निकल रही, तीन चार गाड़ियाँ आ गई, मैंने कहा चलो ठीक है स्लिप छोड़ी। उसके बाद अब मैडम गाड़ी चला रही हैं क्योंकि मुझे बैठ के देखना होटल हम कौन सा बुक करें, क्योंकि वहाँ जाकर टंडम से इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको अपने आगे काम के लिए भी निकलना है, तो फटाफट से होटल लेंगे और फिर निकलेंगे। तो मैं वही होटल देख रहा हूँ, खाने का देखते हैं अभी आगे कुछ, और अगर वो मतलब पिछली बार वाला वो दिख गया तो वो खा लेंगे वहाँ पे जो रह गया था, या तो फिर सीधा जयपुर में देख लेंगे, बाहर आउटर पर कुछ खा लेंगे, रेस्टोरेंट में लेंगे। फिलहाल अभी ड्राइव कर रही हूँ मैं, होटल देखता हूँ, और गर्मी से यार इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, मज़ा ही नहीं आ रहा, मतलब गर्मी के मौसम में तो कुछ मजा नहीं आ रहा, बाहर थी धूप थी ना भाई, जल गए आँख पर जल गए, बता दे रहा हूँ ज्यादा हो रहा है अभी, ना दोबारा मैं सुन, तुझे दोबारा गाड़ी चलानी ना चलानी, पक्का सोच ले मैं दोबारा ना दूंगा, अब अगर तूने हाथ उठाया ना मैं तुझे गाड़ी नहीं दूंगा। ओ सामने मौसम जबरदस्त, चलो फिलहाल होटल देख लेते हैं इससे पहले की लेट हो जाए, बुक हो जाए।
पिछली बार जो हम लोग छोड़ दिए थे क्योंकि स्पीड में थे। तो चलो यहाँ पे कुछ खाते हैं क्योंकि भूख तो काफी लगी रही है। यहाँ पे मतलब चार पांच ऑन रोड ऊपर ही बने हुए हैं, कट बना हुआ है, पिछली बार की तरह नहीं है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ इस बार क्या मिलता है। शुक्र है कि छांव हो गई है, जो भी मिलेगा देखते हैं, चलो खाते हैं फटाफट से निकलते हैं। करीब भाई हम लोग वहाँ पे रुके थे, वहाँ पे कुछ खाने का सोच रहे थे, खाएंगे मंगाया भाई, कुछ ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं। बाहर एक स्टॉल था उसमें मतलब स्नैक्स वगैरह मिला था, जैसे सैंडविच हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, चाय हो गया, और अंदर एक बना हुआ था वहाँ पे खाने का इंतजाम था, जैसे कि आप अगर कुछ खाना प्रॉपर खाना खाना हो तो। हमें प्रॉपर खाना तो खाने का मन नहीं था, हमने कहा चलो कुछ ऐसा देख लेते हैं कि पराठे सराठे मिल जाए, तो पराठे वराठे मिले नहीं। फिर हमने कहा चलो भाई सांभर इडली सांभर ही होगी, डोसा भी नहीं था, तो हमने कहा इडली सांभर ले आओ। इतनी वाहियात इडली, इतनी वाहियात इडली, इतनी वाहियात तो कभी नहीं खाई। फिर सोचा वॉशरूम हो लेते हैं, वॉशरूम भी एकदम बकवास एकदम। चलो मान लिया काम चल रहा है, पर वहाँ पे रखो ना बंदे, वो बैठे हुए ना वहाँ पे बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको कोई देख तो रहा नहीं है, कोई सुपरवाइजर तो है नहीं कोई देखने के, साफ बाथरूम आपने साफ किया नहीं किया भाई, गंदा पड़ा है यार। इतना अच्छा है, इतना वर्ल्ड क्लास आप ये सब चीजें बना रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों को भी स्ट्रिक्टनेस रखो, क्योंकि आपने तो एक अपॉइंट कर दिया है वर्कर की क्लीननेस के लिए, वो बैठे हुए बाहर आराम से बीड़ी बीड़ी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अंदर बाथरूम वगैरह एकदम गंदा पड़ा हुआ है, मजा नहीं आया। मतलब सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे पिछले वाला ज्यादा बेटर था, जहाँ पे वो फूटर वगैरह हमने दिखाया था पिछले ब्लॉग में, देखना आप जाकर के ये वाला। इसमें हाँ सैंडविच जो बाहर से स्टॉल से लिया ना, चाय भी बढ़िया थी, सैंडविच और इवन ब्रेड पकौड़ा भी अच्छा था, हमने वही खाया। इडली फिर हमने छोड़ दी, आधी आधी खा करके छोड़ दी, एकदम वाहियात इडली, इतनी गंदी इडली सुनिया कभी नहीं खाई। मुझे तो ये लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, ऐसी तो लग रही थी, लग रहा था खराब दे दियो। सोनिया ने पूछा भाई ऐसी ये क्यों थी, क्या बोले स्टीमर हमारा ना अच्छा स्टीमर उससे बनाई है, मैंने कहा ये फ्रोजन लग रही है मेरे को, रखनी थी बिल्कुल। अगर तुम्हारा स्टीमर पोलियोग्रस्त है तो उसको पोलियो के ड्रॉप पिलाओ, नहीं तो नया ले आओ, उससे क्यों खिला रहे हो यार, किसी का पेट खराब हुआ जो हो जाए। बहुत ही वाइट इडली, मतलब वाइट इडली सांभर भी एकदम ऐसा खट्टा पकड़ा दिया, अजीब सा था यार। अब आगे जाकर के ये लोग ठीक करें तो अलग बात है, बगल में पेट्रोल पंप भी बन रहा था, यहाँ बन जाए तो ठीक है, लेकिन अभी ना फूड की सर्विस यहाँ पे मतलब फिलहाल अभी लगभग क्या बताएं, तो टाइम है फटाफट से खींचते हैं, मूड थोड़ा सा वैसा हो गया। हालांकि चलो ठीक है, चाय और सैंडविच और डोसा ना, इडली मंगानी नहीं चाहिए थी, हमने तो चलो डोसा मिल जाए डोसा खा लेंगे, डोसा पराठे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था बस। अब खाना है प्रॉपर, इतना टाइम ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं, फिर वो टाइम लगता कम से कम 15-20 मिनट तो लाने में, फिर आधा घंटा खाने में बहुत वो हो जाता ना, इसलिए हमने हमें सोचा हल्का फुल्का स्नैक्स लेंगे और निकल लेंगे। वो धूप छांव चल रही है, कहीं आधी पहाड़ों पे छाई है, आधी पहाड़ों पे धूप है, सामने वाले पहाड़ों पे धूप है उधर हल्की हल्की, यहाँ छाई है, बारिश एक जगह बीच में दो तीन बूंदे गिरी, हमें लगा बारिश हो जाएगी पर हुई नहीं। तो अपन फिलहाल अब भगा रहे हैं गाड़ी क्योंकि अब ज़्यादा ही लेट हो गए, तो अब 120 नहीं लगा क्योंकि वो अलार्म बीप करने लगता है ओवर स्पीड का, भी 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 वो ना हटाया नहीं यार, एक दो बार ही आना होता है उसमें, क्यों हटाएं, ज़्यादा रैश ड्राइविंग करनी भी नहीं है, अपना लेन मेंटेन कर रहे हैं और चलते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसका एक स्पीड टेस्ट किया ब्रेजा का, 150 तो पहुंच गई थी, फिर ये हाय तोबा करने लग गई, राह धीरे करो राह धीरे करो राह धीरे करो, मैंने कहा ले भाई तो 150 तो टच कर ली थी, वीडियो इसलिए बनाया नहीं क्योंकि मैंने दोनों हाथ से शेयरिंग पकड़ा हुआ था, क्योंकि बीसी नहीं चाहिए मुझे, बस टेस्ट करना था, मैं कोई वो नहीं कर रहा था, और फिर ये भी चलाने लगे, मैंने कहा ले भाई स्ट्रेट रोड है खाली है इसलिए मैंने टेस्ट कर लिया। 150 तो पहुंच गई लगभग, मैंने अंदाजे से 160 के आसपास ही पहुंच जाएगी, बाकी मजा आ गया 150 पे मजा आ गया, पता ही नहीं चलता मतलब खाली रोड है ना इसलिए पता नहीं चलता, आपको गाड़ी का वाइब्रेशन महसूस होने लग जाता है, लेकिन बाकी सब ठीक है। अरे वो तो वो इसका अलार्म बजने लगा ना, 120 के ऊपर आप चलोगे तो वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करता रहेगा, टी टी नहीं तो मैं ट्राई करो, मैंने ट्राई इसलिए करा क्योंकि मुझे अपने में कंट्रोल है, और सामने सड़क खाली थी, और आज जब से गाड़ी ली तब से आज दूसरी बार आए हैं इस पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और फर्स्ट टाइम ही इतना रेस दे करके मैंने देखा इसको, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बहुत फन थ्रू टाइप कर रहे हैं, मुझे बस चेक करना था कि कितनी जा सकती, क्योंकि
इसकी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए ना। हालांकि इतनी चलनी कहीं नहीं है, चलनी कहीं नहीं है इतनी, लेकिन लगता है इसमें 220 रखी है। क्या 220 जाती है? नहीं जाती, तो 150 तो चली गई थी मैक्सिमम, मुझे जहां तक अंदाजा 160 तक ही पहुंच जाएगी, पर इतनी जरूरत नहीं है। और नहीं, ये यही इस बीसी पे कृपया ध्यान न दें, ये बातें कॉर्पोरेटर से परे हैं, इन पे कतई ध्यान न दें। भाई मैंने ट्राई किया, डर लग गया भाई। सेफ चलाएं, ध्यान से चलाएं। कैसा लग रहा है? इधर से धूप आ रही है, निमराना वाली पहाड़ी होंगी उस साइड, जब एनएचएट से जाते हैं तो निमराना जाके पहाड़ियाँ नहीं आती है, स्टार्ट हो जाती है वही पहाड़ियाँ होंगी। इसके उधर वो होगा अलवर, देखो दूर कैसे फॉग लग रहा है आज। इस पहाड़ी के उधर अलवर होगा ना। हम लोगों ना इस वाले पर रुकना था, ये जा रहा ना इधर साइड में, हाँ। ये था मेन, ये था, इस पे रुकना था। पिछली बार भी हमने ये देखा था, यही वाला था, हमें लगा वो अभी जो पीछे ना, ये राजगढ़ टॉल से पहले पड़ता है, मैं टॉल कह रहा हूँ राजगढ़ वाला कट आता ना उससे पहले पड़ता है। ये तीन रेस्ट सर्विस एरिया ऑपरेशनल है अभी, सबसे पहले वाले पे बस वो एक फूड है, वो दो फूड ट्रक थे, दूसरे वाले पे भी रुके थे, वहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट है, तीसरे वाले इस पे मतलब मुझे तीन चार रेस्टोरेंट दिखे थे। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस इस थर्ड वाले पे रुकेंगे, हो गया ना, पहले आए पहले वाले पे रुके, दूसरे आए दूसरे वाले पे रुके, तीसरे आए तो तीसरे वाले रुकेंगे। और यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। रुके थे, हालांकि रुकना नहीं चाहिए, और मस्त मौसम हो रखा है, दूर तक चौकस लग रहा, नहीं एकदम बढ़िया, एकदम मस्त बना हुआ है, मजा आ गया चला 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 के। सनरूफ से वीडियो बन रही है मुंबई एक्सप्रेस वे पर। आ जा बस कर, कितना घुमाएगी सारा, मौज हो रही है, मौज तो मौज होती रहनी चाहिए। आवाज आई नहीं रही, हवा की आवाज आएगी। मैंने कहा बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर ही दें, उतनी देर से परेशान हो रही है। देखो यहाँ बारिश हुई, सुनिया यहाँ बारिश हुई है, सड़क गीली है। ये देख लो भाई ट्रेन, चुक चुक गाड़ी भी मिल गई हमें यहाँ पे एक्सप्रेस वे पर। इंजन तो नहीं, इंजन का बता, इंजन का। तो हम लोग एक्सप्रेस वे छोड़ने वाले हैं, पहला कट आएगा आगरा के लिए, जिनको आगरा जाना है वो सीधा लेफ्ट लेकर के सीधा आगरा के लिए निकल जाएंगे, और हम वो वाला कट ना लेकर के जयपुर वाला कट लेंगे जो सर्किल होकर के राइट हो जाएगा। तो चलो दिखाते हैं भाई, इसलिए कंफ्यूज मत होना कभी, पहले आगरा का कट आएगा उसके बाद जयपुर का। ये जो कट आ रहा है पहले, ये आ गया आगरा का, तो आगरा वालों यही से लेफ्ट हो जाना, ये जा रहा है ये वाला सीधा रोड जा रही ना दौसा आगरा हाईवे जा रहा है भरतपुर होते हुए, यहाँ से आराम से निकल जाओगे। तो ये आगरा, चलो आगरा को टाटा करते हैं, अगली बार आएंगे तो निकलने का आएगा हमारा जयपुर वाला राउंड अबाउट। देखो वहां पे टॉल दिख रहा है बना हुआ है, तो चलो भाई टॉल कटाते हैं। बढ़िया मौसम रहा उधर, देख लो जयपुर की तरफ कैसे मस्त मौसम हो रखा है, देखो सोनिया उधर मस्त मौसम हो रखा है सामने। चलो भाई ये आ गया जयपुर वाला, बिल्कुल सर्किल है, सर्किल होकर के राइट हो जाएगा, देखो वो टॉल दिख रहा है सामने,
ये वादियाँ देख लो, क्या वादियाँ हैं भाई, क्या वादियाँ हैं, मस्त। यहीं एक फार्म हाउस बना कर रहो, अच्छा वातावरण मिलेगा, पॉल्यूशन से दूर। तो चलो अब टॉल कटाते हैं, 415 रुपए खर्चेंगे। अब यहाँ से ये हाईवे है, सीधा जयपुर जाएगा, तो अब सीधा फटाफट से जयपुर लगाते हैं। एक्सप्रेस वे में मजा आ गया, लिमिट को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे आराम से 50-80 के बीच मेंटेन करेंगे। धूप अभी भी देख लो, अच्छा खासा मौसम का फिर से धूप आ रही है। अब यहाँ देखो बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है भाई, कदर बारिश हो रही है। सामने से ऐसी बौछार आ रही ना गाड़ियों की, शीशा एकदम गंदा हो जा रहा है। तो भर भर के बारिश हो तो साफ रहे, आगे चल रही होती गाड़ी वो एकदम कचरा हो छल छल के बौछार टाइप में आता है बार बार। फिर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, पता नहीं कैसी बारिश हो रही है। नहीं मैडम तो लेट गए, आराम से सो रही है। बंद हो गई बारिश, सुन रहे ट्रेन जा रही। देखो अभी ट्रेन, अब इससे लगाऊंगा मैं रेस। खैर मैं रेस नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा सा वीडियो बना लूँ। और सोनिया भी अपनी शॉर्ट्स बना रही है, सोनिया ने वीडियो पकड़ा हुआ है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और ये देखो कितनी मस्त लग रही है यार, ये सीन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साइड में ट्रेन चल रही हो और अपन गाड़ी से चल रहे हो। छोटे बचपन याद आ गया जब मम्मी पापा बाइक से जाते थे तो साइड में ट्रेन चलती थी और हम उससे आगे निकलने की कोशिश किया करते थे यार, मज़ा आ जाता ट्रेन देख करके। कोशिश की अच्छा सा वीडियो बन जाए, पर बीच में अवरोध आते रहे, पर हो सका जितना मैं बना लिया उतना तो देखा ही आपने। ऐसे ही पठानकोट में बनाया था। और ये हो गई है जयपुर में एंट्री, जब भी टनल आ जाए समझो हो गई जयपुर में एंट्री। पिछली बार भी जब आए थे तो ये टनल का वीडियो बढ़िया सा बनाया था, लगती इतनी अच्छी है कि बिना वीडियो बनाए रहा ही नहीं जाता यार, क्या करें बना लिया। और आप लोग कमेंट करके फटाफट से बता दो कि आप लोग कितनी बार यहाँ आ चुके हैं और कैसी लगती है आपको ये टनल। जयपुर के आसपास ये एक टनल है और भी हैं, क्योंकि एन एच 8 पर तो पड़ती नहीं, इधर दौसा की तरफ से आओ तभी एक मिलती है। चलो भाई फटाफट से होटल लगाएं। तो वैसे फिलहाल हम लोग अपने होटल में पहुँच गए हैं, लगभग 5:30 या 6 बजने आ रहे हैं। काफ़ी थकान हो गई है, सोनिया को निकलना है अपनी मीटिंग के लिए, तो मैं फटाफट से उसको अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे उसको वो देख रही है, अपना लैपटॉप वगैरह देख रही है, तो वो निकल जाएगी। मैंने बना के लिए मंगा ली चाय, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा फिर ये आ जाएगी, उसके बाद देखेंगे भाई डिनर वना करने। तो ये फिलहाल अभी जा रही है, फ्रेश वेश हो रही है क्योंकि मुँह धोना था, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे गर्मी से। फ्रेश हो लिया मुँह धो लिया, ठीक है। मेरा तो हेडेक हो गया इतनी गर्मी, सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी, बाहर निकलो गर्मी अंदर बैठो ऐसी। तो रूम टूर तो मैं आपको क्या कराऊँ, बस इतना बड़ा सा मतलब स्वीट है कोई, और हम लोगों ने यही देखा, हम लोगों ने फटाफट से चलते चलते यही बुक कर लिया, कोई ज़्यादा आरंडी नहीं की, क्योंकि अभी एक दिन का बुक किया, कल का देखेंगे, कल अगर इसमें स्टे करेंगे तो फिर और चेंज कर लेंगे। अभी क्या ना था सामने से निकलना भी रहा, तो फटाफट से जा करके कहीं बैठे हैं टिकाएँ, इसके लिए एक तो होटल चाहिए था। हालत खराब हो रही है, चाय मंगा दी, इसके बाद टाइम नहीं है, इतनी निकल रही है, मैं चाय पीऊँगा आराम से, थोड़ी देर लेट लूँगा क्योंकि मेरा पैर का पंजा और सर दर्द हो रहा है। एसी चलाना, एसी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं हो जाता कभी कभी थकान से, तो एसी भी अच्छा नहीं लगता। ये जाएगी ना अभी बंद कर दूंगा थोड़ी देर। हैं बालकनी एरिया, इसमें बालकनी भी है। ओह माय गॉड, ओ ये रही बालकनी, ओह सही। उधर अपनी गाड़ी पार्क थी, सोनिया चली गई, और मौसम बढ़िया हो रहा है यार, सेक्सी मौसम हो रहा है। चलो ये अपना रूम है, ऐसे फैला पड़ा है, फटाफट से सोनिया को भागना था, उसको बाथरूम वाथरूम यूज़ करना था और फैशन अप भी होना था। ये बाथरूम है, ये एक सोफा का बेड पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है,
पता नहीं लाइटिंग का भी मैंने कोई देखा नहीं कौन कहाँ से जितनी वो जला गया उतनी जला गया, मेरे ख्याल से वहाँ पे सोचूंगा वहाँ से जलाने होंगे। बाकी सुनिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, मैंने अपना लैपटॉप निकाल लिया उसका अपने है। अभी मैंने चाय ऑर्डर कर दिए, चाय भाई हेडक में बहुत गंदा वाला हो रहा है। चाय पियेंगे थोड़ी देर लेटेंगे सोने, तो चाय भी नहीं पी पाए, जो कि सबसे पहले वो चाय मंगाती मेरे साथ भी पहले, लेकिन हम लोग ऑलरेडी लेट भी हो गए थे। अगर हम लोग वहाँ ना रुकते ना जहाँ खाने के लिए, तो शायद आधा घंटा वहाँ लगा वो आधा घंटा यहाँ पे कवर हो जाता, आराम से चाय पी लेती, फ्रेश भी जाती, आराम से जाती। चलो कोई नहीं, आ जाएगा आराम से चाय पिएगी फिर डिनर करेंगे। तो गाइस आ गई अपनी चाय, तो चाय इन्जॉय करते हैं। सोनिया होती तो सोनिया भी पीती, अब उसको तो जाना था, तो कोई नहीं आएगी तो फिर मंगवा लेंगे। कुछ खास नहीं है चाय यार, यहाँ जल्दीबाजी में ये होटल मिल गया यही समझ में आया। हमने कहा चलो पाकिस्तान तो ये फार बेटर लग रहा है, यही कर लेते हैं। फिर इसको आज रात में फिर R&D करेंगे, कल के लिए कोई और होटल देखेंगे। कंट्री में देखा था लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी और एक रूम अवेलेबल था उसमें ट्विन बेड आ रहे थे, तो हमने कहा फिर ये कर लेते हैं। ये पास में ही था जहाँ पे सुनने का मीटिंग है, उसके पास में ही लोकेशन में है, इसलिए ये कर लिया। अब रात में आराम से देखेंगे कि कल कौन सा वाला करना है, उसको बुक करेंगे। अभी फिलहाल चाय इन्जॉय करते हैं। AC बंद कर दिया मैंने, क्योंकि अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। फैन चल रहा है बस, अब चाय पी के थोड़ी देर लेटते हैं। तो गाइस सोनिया आ गई है और सोनिया ने आते ही मंगाई है चाय, और चाय वाले को अड़का दिया, क्योंकि जब मैंने चाय मंगाई थी ना तो चाय कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। तो मैडम आई बोले चाय पी ली, मैंने कहा पी ली, बोली चाय अच्छी थी, मैंने कहा नहीं खास नहीं थी, मैं मंगाती हूँ। तो उसको अड़का दिया कि चाय मंगाई थी अच्छी नहीं थी, अच्छी चाय भिजवा दो। एक दुकान बुक कैसी चाय लेकर के आता है। तो वैसे खाना मंगा लिया, डिनर की तैयारी हो रही है। रोटी बटर रोटी हो गई, आलू जीरा और दाल तड़का और राइस हो गए। सोने गई है अपने हैंड वॉश करने, उसके बाद खाते हैं। मिर्ची एक ही मिर्ची को दो कर, मैंने कहा था दो तीन मिर्ची भेज देना, क्योंकि राजस्थानी मिर्ची अलग ही स्वाद आता है। मैंने कहा ना दो तीन मिर्ची भेजना, एक ही मिर्ची आई है। तो चलो फिलहाल डिनर निपटाते हैं, क्योंकि बहुत ही भूख लगी हुई है। तो गाइस खाना पीना हो गया था, थकान बहुत हो गई थी आज, काफ़ी गर्मी भी थी इस वजह से, और हाउस पास हो गया था। तो फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।